नमस्कार साथियों, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को एक एक बातों को आप लोग ध्यान दे करके मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। क्योंकि आज हमारी जो शिक्षक समाज है, शिक्षक समाज में जो एकता है उसको खंडित करने के लिए कुछ संगठन भीतरघात करते हुए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिए हैं। अब वह रणनीति क्या है कि किस तरीके से समन्वय समिति को कमजोर किया जाए, किस तरीके से समन्वय समिति को दो राहे पर ला दिया जाए, ताकि शिक्षकों का जो चिर परिचित मांग है, समान वेतन और समान सेवा शर्त की जो मांग है, उससे हम लोग दूर हो जाएं। इसके लिए शिक्षक संघर्ष समिति पर बेवजह का कीचड़ उछालना शुरू कर दिया गया है। बेवजह का बातों को ला करके शिक्षक समाज के सामने बताया जा रहा है कि संघर्ष समिति गलत कर रहा है। मैं उन शिक्षक संघों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका संगठन अपना बैनर त्याग चुका है? क्या वे अपने बैनर के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या वो अपने लेटर पैड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या अपनी मांगों को वो अपने तरीके से मांगना छोड़ दिए हैं? शायद इसका जवाब होगा नहीं, और लगभग सभी संगठन ये कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से अपना अपना कार्य लगातार करते आ रहे हैं। वहीं पर संघर्ष समिति के जो समन्वयक हैं बजनंदन शर्मा जी, अगर उन्होंने प्राथमिक शिक्षक संघ के अंतर्गत किसी काम को किया तो फिर उन पर उंगली उठाने वाले को समझना चाहिए था कि जब खुद आप अपने संघर्ष समिति में रहते हुए आप खुद अपना कार्य अपने बैनर तले अपने लेटर पैड पर करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन समन्वय समिति के संयोजक अगर ये करें तो गलत। ये कैसा आप लोगों ने पैमान बना रखा है, कैसी यह नीति है कि ये तो वही बात हो गई कि मैं करूँ तो लीला और आप करें तो कैप्टन ढीला। हम सभी को एक बात समझने की है कि बजनंदन शर्मा जी एक गार्जियन स्वरूप, उन्हें हम लोगों ने चुना है। हमारे शिक्षक संगठनों के जो मुख्य धारा में चलने वाले और एकता के साथ चलने वाले संगठन के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने समन्वय समिति का उन्हें संयोजक माना है। फिर हम लोग उसमें किंतु परंतु निकालने का क्यों आदि हो जाते हैं और उन अंधभक्तों के पीछे हम लोग भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। समन्वय समिति एक ठोस रणनीति पर काम करती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ के पेट में यह दर्द होना शुरू हो गया कि अगर शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिल गया तो फिर हमें कौन पूछेगा? फिर तो लोग संघर्ष समिति के माध्यम से ही सारा काम कराना चाहेंगे। ऐसे में मुझे तो ताज्जुब होता है, कुछ शिक्षक कहते हैं कि हमें वेतन नहीं मिला है, संघर्ष समिति वेतन दिलवा दे। ये क्या आप लोग फालतू की मांग की बात करते रहते हैं? संघर्ष समिति वेतन दिलवाने के लिए नहीं बना है, छुट्टी दिलवाने के लिए नहीं बना है। संघर्ष समिति, कई बार मैंने इसके पहले भी कहा है कि संघर्ष समिति का कार्य वृहद कार्य के रूप में एक समान काम समान वेतन के लिए, समान सेवा शर्त के लिए, बड़ी मांगों के लिए बनाया गया है, जिसके बैनर तले बड़ा आंदोलन करने के लिए बनाया गया है, न कि छोटी छोटी मांगों को लेकर के हम लोग पहुंच जाते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसलिए संघर्ष समिति को हम नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोगों का बयान आते जा रहा है। जब वे साइलेंट वे में रहते हैं, जब वे शांत होते हैं, मतलब आप देखते होंगे कि जब एक नॉर्मल वे में काम चलती रहती है, उस समय वे लोग, वही संगठन के लोग बिल्कुल ही चुप्पी साधे रहते हैं, कुछ नहीं संघर्ष समिति के सपोर्ट में और न ही विरोध में कुछ नहीं बोलते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ इस तरह का कार्य आता है, सिर्फ और सिर्फ विरोध करना शुरू कर देते हैं, और यही विरोध का जो सुर है वह शिक्षकों में गलत भावना पैदा करने लगती है। अभी हम लोगों के सामने मैट्रिक इंटर की परीक्षा को बहिष्कार करने का समय है, और हम लोग आपस में लड़ने में उलझ चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि संघर्ष समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, उसका नेता कौन बनेगा। ये भाई, तो जिनको नेता बनना है, जिन संगठन के को ये लगता है कि हम नेतृत्व कर सकते हैं, तो आप आइए ना आगे, आपको आने से कौन रोकता है, लेकिन आगे आने से भी आप लोग को डर लगता है,
आगे किसी को आने का हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही आगे आएंगे दूसरे नियोजन के जो नेतृत्वकर्ता हैं आपको नेता नहीं मानेंगे, ये पक्की बात है। अगर अगर नेता मानना ही होता तो आप उस संगठन से अलग क्यों होते, सभी लोग एक ही संगठन के टूट करके विभिन्न संगठन में विभक्त हुए हैं। आज दो दर्जन क्या तीन दर्जन संगठन हो चुका है, तीन दर्जन संगठन का नेतृत्वकर्ता क्या किसी एक नियोजित शिक्षक के नेतृत्व को स्वीकार कर लेगा? अगर कर लेगा तो बिल्कुल स्वतंत्र है, बनाइए संगठन, बनाइए समन्वय समिति और चलाइए। लेकिन मैं लिख के देता हूं कि ऐसा नहीं होगा। एकमात्र बजनंद शर्मा जी हैं जो समन्वय समिति को कार्यरूप दे रहे हैं, और उसमें भी सभी लोगों पेट में दर्द हो रहा है। एक बात समझने की चीज है कि बजनंद शर्मा वह धुरी हैं जिनके चारों तरफ हम सभी को घूमते रहना है, क्योंकि हम किसी संगठन में विश्वास रखते हैं तो दूसरे संगठन का विरोध करते हैं, दूसरा किसी और संगठन में विश्वास रखता है तो तीसरे का विरोध करते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे संगठन का हम लोग विरोधाभासी हैं। इस वजह से कोई भी संगठन दूसरे संगठन का कभी भी नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकता है। ऐसे में हम सभी लोग गांव से जुड़े हुए हैं। एक बात को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग देखते होंगे कि गांव में जब धान या गेहूं का दौनी किया जाता है तो उस समय क्या होता है, एक बीच में मेहा होता है और उसके चारों उसके उसी के रस्सी में चार या पांच बैल बंधे होते हैं, और वह बैल उस मेहा के सहारे चारों ओर घूमते रहता है, और घूमते घूमते गेहूं का दौनी हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, और तब हम सोचते हैं कि ये जो घूमने का काम जो कर रहे हैं वह कौन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बैल करता है, दौनी भी कौन करते हैं, वो बैल करते हैं। लेकिन उस खंभे का देखेंगे तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन वह खंभा अगर ना हो तो दौनी होना भी संभव नहीं है, तब वह बैल एक जगह जुड़ करके घूम नहीं सकते हैं, वो कोई इधर भागेंगे कोई उधर भागेंगे। तो यहां मैं इस उदाहरण के माध्यम से हम इतना ही समझाना चाहते हैं कि जो मेहा है बीच में वह मेहा का काम बजनंद शर्मा जी कर रहे हैं, लेकिन इसी में से कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं बजनंद शर्मा जी ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, आप जब भी बैठक हुआ है पटना में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां निर्णय जो होता है सभी नियोजित शिक्षकों के नेताओं के द्वारा अपनी अपनी बात रखी जाती है, और उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसी को बयान के रूप में अथवा सरकार को जो देना है उसके लिए पत्र निर्गत होता है। यानी कि कहा जाए तो शब्द हमारे होते हैं और बोल बजनंद शर्मा जी के होते हैं। ऐसे में हमें किस चीज का डर है हमको यह समझ नहीं आती है। बजनंद शर्मा अगर स्वयं सारे कामों को करते, अगर स्वयं वो निर्णय अपना देते तब उनकी गलती कही जाती, लेकिन जब वहां पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी होते हैं, राज मतलब जिला स्तर के भी पदाधिकारी कभी कभी जाते हैं, जबकि उस बैठक में मेरे समझ से प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को ही जाना चाहिए और नीति निर्धारण करना चाहिए, लेकिन वहां पर प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे कभी कभी हमको तो हंसी आती है, प्रखंड के भी नेतृत्वकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और बिना मतलब की बहस वहां छेड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रदेश के नेता स्वयं जाएं और स्वयं नीति निर्धारण करें, और जो नीति बनती है उस नीति को वहां पर नोट कराएं और उसी नीति का आलोक में पूरे बिहार पर लागू किया जाए, उसी नीति को पूरे शिक्षक नियोजित शिक्षक संघ है वो भी उसको लागू करें, और उसी का मेमोरेंडम सरकार को दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बजनंद शर्मा जी अपने से मन से दे देते हैं, मैं खुद कई बैठकों में गया हूं और मैंने देखा है कि जो बैठक में तय किया जाता है उसी का मेमोरेंडम सरकार को दिया जाता है, फिर कहां कोई दिक्कत है और फिर किस बात की दिक्कत होती है कि लोग कहते हैं कि बजनंद शर्मा जी ये किए वो किए, आरोप लगाते हैं। तो यहां आरोप लगाना नहीं है, बल्कि आरोप के माध्यम से लोग चाहते हैं कि किस तरीके से हम इस संघर्ष समिति से बाहर चले जाएं, ताकि हमको उस मेहा के भी साथ हमको नाचना ना पड़े, और हम अपना अलग लोग राजनीति करने में लग जाते हैं।
हम लोग संगठन बना लिए हैं, लेकिन लड़ाई कहाँ लड़ते हैं? कोर्ट में। तो संगठन का क्या उचित है? समझ से परे है, कोर्ट में ही लड़ना हो तो संगठन की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो हम लोगों के द्वारा जो नीति निर्धारण होगा और 15 का जो आंदोलन है उसका, 15 का आंदोलन में भी अध्यक्ष की मार के चक्कर में ही आंदोलन को अधूरा कर दिया गया, अधूरा छोड़ दिया गया, और इसी वजह से आज हम जो चाइनीज वेतन पा रहे हैं उसका कारण भी वही है। कहीं ना कहीं लोग, नेता लोग अपने आपस में लड़ने लगे कि हम अध्यक्ष रहेंगे तो हम अध्यक्ष रहेंगे, और इसी लड़ाई में जो हमारी मांग थी वह अधूरी रह गई। अभी भी उन चीजों से हम लोग सीख नहीं ले रहे हैं, और जो जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, अगर यही स्थिति रहेगा तो आगे भी हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी, और यह चुनावी वर्ष में अगर हम लोग नहीं कुछ कर पाए तो आगे भी उम्मीद रखना बेमानी है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम इतना ही चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सचेत हो जाएं, अपने अपने संगठनों पर प्रेशर दें और हर हाल में संगठन, अपने संगठन को समन्वय समिति के साथ जुड़कर चलने का प्रेशर बनाते रहें। अन्यथा ये कुछ शिक्षक संगठन इस तरह के कार्य सभी नहीं कर रहे हैं, कुछ शिक्षक संगठन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समन्वय समिति किसी तरह से टूट जाए और शिक्षकों का समान काम समान वेतन न मिले, ताकि उनकी नेतागिरी हमेशा चलती रहे, पैसे की आमदनी होती रहे, और इसी वजह से वो तड़फड़ाते रहते हैं और भागते रहते हैं। उनको भागने की आखिर जरूरत क्यों है? आखिर क्यों वो भाग रहे हैं इस आंदोलन से? किस लिए वो एकता से भाग रहे हैं? आपको लगता है कि बंजारा समाज गलत कर रहे हैं तो आप बैठक में जाइए, अपनी बातों को रखिए, और आपकी बात कोई नहीं सुनता है तब ना आप कहेंगे कि हम अलग रहेंगे, लेकिन जब आपकी बातों को सुना ही जाता है, आपकी बातों को लिखा ही जाता है, आपकी बातों के अनुसार ही आंदोलन किया जा रहा है, तो फिर यह कहना कि बंजारा समाज ये करते हैं वो करते हैं, ये कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सभी लोग अपना अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और चाह रहे हैं कि संगठन समन्वय समिति टूट जाए और हमारे संगठन का खेती बाड़ी पैसे का चलता रहे, और कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि संघर्ष समिति अगर टूटा तो हमें, हम लोगों को कोई भी संगठन चाहकर भी कुछ नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, शिक्षक चौपाल लगातार शिक्षक एकता की बात किया है, हमेशा शिक्षक एकता के साथ रहा है, और शिक्षक एकता का, शिक्षकों का जहां भविष्य उज्जवल होने वाला है उसी की मैं बात करता हूं। हर समय एक जैसा नहीं होता कि हाँ हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, ऐसा नहीं है। हर समय कोई एक नेतृत्वकर्ता सफल हो जाए यह कोई सत्य नहीं है। कभी कोई नेतृत्वकर्ता सफल होता है, कभी कोई नेतृत्वकर्ता सफल हो जाता है, कभी किसी का काम अच्छा लगता है, क्योंकि एक गुण, एक तरह का गुण सब में होते नहीं है, सभी का अलग अलग गुण होता है, और उसी गुण के आलोक में सभी लोग अपना अपना कार्य अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि सभी संगठन मिलजुल करके अपनी लड़ाई को लड़िए, अन्यथा की स्थिति में हमारी लड़ाई कमजोर होगी और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, नहीं तो अपना संगठन और संघर्ष समिति नया नया बनाते रहें और यह साबित करते रहें कि हमारे ही नेता सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी सोशल मीडिया में जब हम देखते हैं, लोग अपने नेता को अंधभक्त के रूप में, लगता है कि वही भगवान हो चुके हैं। अरे भाई, आपके वो भगवान हो सकते हैं, निश्चित रूप से आपके आराध्य हो सकते हैं, लेकिन दूसरे के भी आराध्य होंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। आपके भगवान है तो दूसरे के भी भगवान हो जाएंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो संगठन 72 को संगठन नहीं बनता। हम हो सकता है कि श्रेष्ठ हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हैं यह कहीं से उचित नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। संघर्ष समिति के जो बैठक है 24 तारीख को, उस बैठक में सभी लोग शामिल होइए, और अगर लगता है कि हम नियोजित ही कोई इसका नेतृत्व कर सकते हैं तो उसका भी चयन कीजिए। आप लोग मिल बैठिए तो पहले बैठेंगे नहीं, बाहर बाहर सोशल मीडिया पर इन प्रकार कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बल्कि वहां जब बैठते हैं तो इसका निराकरण कीजिए और यह निर्णय लीजिए कि ठीक है, बंजन शर्मा जी समन्वयक नहीं रहेंगे, हमारे पप्पू जी रहेंगे, या हमारे ब्रजवासी जी रहेंगे, या फिर आनंद कौशल जी रहेंगे, केशव जी रहेंगे, पूरन जी रहेंगे, जिनको भी बनाना है आप बना सकते हैं, अध्यक्ष मंडल बना सकते हैं, सचिव मंडल बना सकते हैं। तो जितने प्रकार की प्रयास हैं वो आप कीजिए वहां पर जाकर के, ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। दूर से तो कह देना कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, सब लोग कहते हैं, लेकिन उसमें
पील करके उतर करके जब तक हम उस चीज को सुधारेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने आप को वहां पर श्रेष्ठ साबित कीजिए और अपने आप को नेतृत्वकर्ता कहलाइए, सब नेतृत्वकर्ताओं का नेतृत्वकर्ता कहलाइए, तब देखिए कि शिक्षकों का वेतनमान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले आपस में आप लोग बढ़िया से निर्णय कर लीजिए कि कौन नेता बनेगा, अथवा जो जैसे चल रहा है उसको चलाइए और आप लोग अपना निर्णय भंजन समाज जी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।